हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पेनियर बाई के अंदर तीन कुछ नए अपडेट आए हैं, तो उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल वाला आइकन जरूर दबा लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, मैं पेनियर बाई का जो वॉलेट है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी है, तो रिटेलर आईडी यदि आप हमसे लेना चाहते हो तो रिटेलर आईडी भी ले सकते हो। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो रिटेलर आईडी लेने के लिए नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो रिटेलर आईडी को ओपन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, तीन नए अपडेट आए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सिंपली बारी बारी बता देता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, तीन नए अपडेट क्या हैं कि सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है? इसको ओपन करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट यदि 10 रुपये से कम हुआ तो आप उसको मूव टू बैंक नहीं कर सकते, ठीक है? तो पहली अपडेट तो ये है, यानी कि 10 रुपये से कम हुआ तो मूव टू बैंक आप नहीं कर सकते। और चलिए मैं दूसरा बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे कि मान लो हमने इसमें बैलेंस, आप मेरा बैलेंस देख लीजिए, 4620 रुपये है, यानी कि 4620। और यहाँ भी मैंने टाइप कर दिया 4620। और ये अकाउंट आपको चेक कर लेना है कि अकाउंट आप ही का है या किसी और का है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये मेन बात है, इसको ज़रूर चेक कर लेना कि अकाउंट, यदि फ्रेंड्स इसको चेक नहीं करते तो हो सकता है पता नहीं किसी और का अकाउंट लगा रखा है किसी ने, और वो गलती से उसके खाते में चला जाएगा, तो वो मिस्टेक आपकी होगी, ठीक है? और यहाँ पे सिंपली मूव टू बैंक के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। चलिए मैं सिंपली इसके ऊपर मूव टू बैंक कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, मेन बात यह है कि यानी कि आपके रजिस्टर मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, बिना OTP आप पैसा मूव टू बैंक नहीं कर सकते, ठीक है? तो सेकंड बात यही है कि आप बिना OTP मूव टू बैंक नहीं कर सकते, यानी कि इसके बिना आप पैसा बैंक में नहीं डाल सकते। फ्रेंड्स, वो नंबर चालू होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं OTP भर देता हूँ, 123021, ठीक है, 123021। जब तक इसको OTP को भरोगे नहीं और वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपके खाते में वो पैसा नहीं जाएगा। तो उसके बाद में कंफर्म कर देते हैं, ठीक है? देखो फ्रेंड्स, कंफर्म हो चुका है, यानी कि वो पैसा डल चुका है, अकाउंट में डल चुका है। और SMS भी आ चुका है बैंक से कि हमारे खाते में ये 4615 रुपये डल चुका है, यानी कि 5 रुपये कट गया। तो फ्रेंड्स, थर्ड और फाइनल बात क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि यदि आप 25,000 से ऊपर मूव टू बैंक करते हो तो आपका चार्ज 10 रुपये लगेगा। 25,000 से यदि नीचे करते हो तो आपका चार्ज 5 रुपये लगता है, और 25,000 से ऊपर करते हो तो आपका चार्ज 10 रुपये लगेगा। तो यही था फ्रेंड फाइनल अपडेट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।